इतनी बेताल और सामने का इस कुछ व्यू जहाँ पे हो रहा भाई राफ्टिंग वाटरफॉल। तो यहाँ से कैसे निकलने का टाइम हो चुका है शिवा ढाबा से, खाए भाई पराठे जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी था, थोड़ा थोड़ा भाई छोड़ ही दिया क्योंकि ज़्यादा हैवी लग रहा था। और इससे पहले जस्ट हमने चाय पिया था। तो अभी टाइम हो रहा है गाइस 9:44, अच्छा खासा टाइम भाई। यहाँ पे हम रुके लगभग आधा एक घंटा रुक गए होंगे और फिर भी भाई यहाँ पे धूप नहीं निकला। बट कोई नहीं यार, धूप का इंतज़ार करेंगे ना, यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब उम्मीद एक ही चीज़ से भाई, पहाड़ पर मिल जाए अपने को धूप ऊप तो बढ़िया रहेगा। चलो भाई चलो लेट्स गो। और हम गाइस मुजफ्फरनगर को भी क्रॉस कर चुके हैं, जस्ट उसके आउटर पे भी क्रॉस कर रहे हैं अभी। और यहाँ से अपना जो नीलकंठ महादेव जी का टेंपल है ऋषिकेश, वो है 129 या 139 किलोमीटर, तो काफ़ी कम है। मुश्किल से गाइस अपने को अब 2 घंटा लगेगा अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो। और अभी टाइम हो रहा 9:45 10:11 12, वही जो मैंने बोला था गाइस 11:12 तक पहुँचेंगे ना, वही टाइम रहने वाला है। और इस विंटर राइड में भाई एक चीज़ और पता चल रहा है कि हाँ, आप अगर विंटर राइड करो तो गाइस जो होता है ना, क्या बोलते हैं, मफलर टाइप का होता है गले में लपेटने वाला, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ना। उससे क्या आप गले में लपेट लो तो भाई हेलमेट से ना हवा नहीं जाएगा, तो बहुत ही स्मूथ राइड जाएगा। अभी क्या डिस्टर्ब हल्का हल्का हो रहा हूँ, गले में ठंड लग रहा है, तो ये चीज़ है। इसलिए भाई धूप का इंतज़ार कर रहे हैं, बट धूप तो आ ही नहीं रहा। बट कोई नहीं गाइस, सामने है बोर्ड, बताता हूँ आपको। ऋषिकेश गाइस 97, मुजफ्फरनगर 6 किलोमीटर, सहारनपुर 67, रुड़की 46, हरिद्वार 76। तो इतना सारा डाटा था भाई। ये देखो सहारनपुर के लिए सीधा, हरिद्वार के लिए जाना अपने को राइट, तो हम चलेंगे भाई लोग राइट हरिद्वार। गाइस यहाँ से अगर आपको सहारनपुर जाना है तो आप यहाँ जाइए, वरना हरिद्वार ऋषिकेश के लिए गाइस ये वाला रोड सीधा। सुबह सुबह गाइस ट्रैफिक, बट हाँ रुक के अच्छा लग रहा भाई, हल्की हल्की गर्मी आ रही है ट्रैफिक से। तो अभी गाइस है भाई उत्तराखंड में ही हम, और यहाँ से हरिद्वार बच गया 40 किलोमीटर ओनली। तो जैसे जैसे गाइस पहाड़ पे आ रहे हैं ना भाई, वैसे वैसे मेरे को लग रहा है जो क्लाउड है ना वो हट जाएंगे, वेदर क्लियर मिलेगा अपने को जहाँ तक मुझे पता है। बाकी देखो भाई 40 किलोमीटर गाइस हिट करते जैसे ही उत्तराखंड पहुँचेंगे, सॉरी हरिद्वार पहुँचेंगे, देन वहाँ से तो भाई 30-33 किलोमीटर पड़ेगा अपने को ऋषिकेश। और जो असली भाई पहाड़ होते हैं ना गाइस वो ऋषिकेश से स्टार्ट होते हैं। स्टॉप हियर, गया गलत जगह रोक गया, वो पीछे निकल। अच्छा धूप कहाँ गया? यहाँ उधर दिख रहा था यार, अब बादल होने के अभी दिख रहा था गाइस, उधर दिख रहा था, दिख रहा था ना। मैंने भी भाई फील किया कि धूप आ गया, आ गया। अच्छा हो रहा है, देखो देखो वहाँ पर देखो सूरज कितना भाई वाइट हो रहा है चांदी की तरह। अभी आएगा धूप आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। बट इससे पहले भाई बोर्ड देखो, सामने रुड़की लक्सर हरिद्वार सीधा, रुड़की के लिए आना है राइट, सॉरी लेफ्ट भाई, राइट लेफ्ट भूल गया भाई, मेरे को धूप नहीं दिखा, मैं इतनी मेहनत से रुका भाई धूप दिखाने के लिए। बाकी भाई बेताल की मेहनत देखो, फुल पावर तोड़ा, गंदी तो वही हो गई है भाई, तो ना वो था ना धुंध और ओस, इससे गंदा हो गया पूरा, देखो पूरा का पूरा ही देखो रेडी भाई। और सुनने में आ रहा है लेटेस्ट अभी पानी छोड़ा गया गंगा मैया का, ये देखो भाई क्या बात है, रोकते भाई जहाँ रोकते, क्रेजी व्यू है, अद्भुत भाई अद्भुत। 6 घंटे में हरिद्वार, क्या बात, विद पिलियन, ओ माय गॉड। और गाइस वहाँ से ओम दिखता है उस साइड से, देखो नीचे से दिखाता हूँ आपको, चलो थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। अब इतना है तो भाई इतनी मेहनत तो बनता है। और पानी देख रहे हो भाई कितना नीट एंड क्लीन है गाइस, पूरा अभी सूख गया था, मतलब पानी रोक देते थे वापिस से छोड़ दिया गया ना पानी, बहुत ही साफ छोड़ा गया पानी। देखो दूर आपको दिख रहा है ओम आर, इस तरीके से ब्रिज बना पड़ा, बहुत खूबसूरत, यूँ ही गाइस नहीं कहते देव भूमि, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उससे पहले लोग मुझे देखे मैं उतारूंगा ये जैकेट, सच में भाई इतनी गंदी हो गई है ना, देखो अच्छा भी लग रहा है डर भी लग रहा है इतने लोगों को देखते। मानसू भाई फोटो खींच रहे हैं, सबसे पहले उतारता हूँ देख, नहीं बंदे बोल रहे हैं कहाँ से आया है।
बाहर बेस्ट हो गया। ऐसा ही बात है, अब तो धूप भी आ चुका है। सूर्य देवता देखो, देख लो दिखा रहा हूँ आपको सूर्य देवता भी आगे। तो यही भाई जो जिसके ऊपर भाई एक के बाद एक राइड हम डन कर रहे हैं। दिखाओ क्या जैकेट खा लो फिर से, देखो ये देखो क्या हो गया कॉलर देखो। इसलिए गाइस मैं नहीं चाहता भाई, इतना पोल्यूशन है रोड पे, सबका सब आगे छिपक गया, मुझे क्या पता इसमें छिपकेगा आगे। हेलो गाइस दर्शन करो महादेव के, हर हर महादेव। आई चलो गाइस एक बार फुल टैंक फिर से, क्योंकि 37 किलोमीटर चल चुके हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ उतर जा। पेट्रोल आया अपना 470 रुपये का, और जो मैं दिल्ली से डलवाया था वो आया था 536 के आसपास आया था। तो एक बार दिखाता हूँ पहले ट्रैफिक रुक जाओ, और सामने का इसका पहाड़ दिख रहे भाई, एंटर करने वाले बस चंद मिनट और। ये चेक करो भाई फुल टैंक, और गाड़ी चल चुकी है 245 किलोमीटर। रोड कर्विंग है जा रहा गाइस, राफ्टिंग भाई आज तक राफ्टिंग नहीं किया। एक रीज़न, एक तो तैरना नहीं आता, ऊपर से अभी तो सर्दी हो गई यार, और ऊपर से अपना ग्रुप भी नहीं आया। जिस दिन गाइस हमारा पूरा ग्रुप आएगा ना उस दिन करेंगे राफ्टिंग, क्या भाई बिल्कुल सारे बंदे आएंगे ना गाइस, राफ्टिंग करने में मज़ा आएगा और थोड़ा वो भी हो जाएगा, हम नेगोशिएट भी कर पाएंगे अच्छे से। तो अभी राफ्टिंग का तो प्लान नहीं है, लेकिन भाई बढ़िया एक्टिविटी है, अभी एडवेंचर तो है। जितनी मैंने रील देखी सब में बंदा गिरा ही देता पानी में, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। शिवानंद आश्रम अपने को जाना है, नील वाटरफॉल, नील वाटरफॉल भाई। ये रहा एक झूला देखिए, कौन सा वाला, राम झूला या फिर लक्ष्मण झूला, जाकर तो चलेगा दोनों ही सामने है। ये राम झूला होता है लक्ष्मण, अच्छा आगे पीछे है। खूबसूरत मनोवेला भाई, क्रेजी भाई क्रेजी, फोन से दिखा दो भाई अल्टीमेट। नहीं बेताल, और सामने का इस कुछ व्यू जहाँ पे हो रहा भाई राफ्टिंग, भाई इतना खूबसूरत व्यू है ना गाइस, बताओ भाई क्या चाहिए। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर देखो राफ्टिंग हो रही भाई, वो भी इतने नीट एंड क्लीन पानी में, देखो देख रहे हो भाई, ओ माय गॉड, इस साइड का व्यू तो गाइस अलग ही है, क्रेजी भाई। ये देखो दो राफ्टिंग एक और हो रही है भाई, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। रास्ता कच्चा भाई नीर वाटरफॉल के लिए, चढ़ जाएगी ये रहा देखो बोर्ड, कैसे जाएगी अंत से भाई, भरोसा तो मुझे है। तो यहाँ से गाइस अब पूरा पूरा अप हिल होगा, जाना आएगा भाई बिल्कुल मस्मराइजिंग व्यू। रास्ते में अच्छे अच्छे व्यू मिलते हैं, बट जो वाटरफॉल का टॉप एंड वाला मैंने एक बार दिखा रखा है, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से गया था मैं, बहुत मेहनत लगता है, वहाँ का व्यू भाई अलग ही है। बाकी छोटे छोटे रास्ते तो आपको दिखते रहेंगे, बाकी ट्रैक भी आप करोगे ना पैदल करो या फिर गाड़ी से करो, बहुत बढ़िया ट्रैक है यहाँ का, जो कि अपना नीर वाटरफॉल जाने तक का रास्ता, ठीक है अच्छा खासा भाई हाइट है, और मज़ा आएगा आपको यहाँ पे जब गाड़ी चलाओगे ना, स्पेशली टू व्हीलर। सबसे पहले आपको करानी पड़ती है पर्ची, यहाँ से 30 का एक कटता है मेरे हिसाब से, देखो आप कितने का ले रहे हैं, तो पर्ची कटाएंगे फिर जाएंगे ऊपर। ये देखो आ गया आपका तो यहाँ से गाइस लेना है टिकट। तो मिलेगा अपने को भाई यहाँ पे टिकट, ये देखो दो टिकट लिया 60 की, एक टिकट पड़ता है यहाँ पे 30 का और फॉरनर के लिए 50, बट मेरा व्लॉग कोई फॉरनर तो देखा नहीं। 30 रुपये चाहिए आपको, 30 रुपये लेकर आए पर बंदा आराम से हो जाएगा। अब चलना ऊपर गाइस अपने को, ऊपर चेक कराना है टोकन, देन ही एंटर कर पाएंगे, बट ये सिस्टम मुझे बहुत बढ़िया लगता है भाई, जस्ट आप आओगे टोकन कटाओ जाओ ऊपर, ऊपर चेकिंग होगी, और यहाँ से लेके पहुँचने तक का
पाँच मिनट का ट्रैक है, बढ़िया अच्छा खासा है, मज़ा आता है मेरे को। ऑफ रोड ही मिलेगा, टूटा फूटा रोड, आई डोंट नो भाई किसी को पसंद आए ना आए, बट अपने को तो भाई पसंद है, हार्ड टूटे फूटे रोड, बढ़िया। ये देखो लेकिन भाई भयंकर भी होते हैं, गुस्सा दिए भयंकर के चक्कर में। तो वैसे पहुंच चुके भाई नीर वाटरफॉल, एंड यहाँ से अब ट्रैक करना अपने को, बाकी देखो भाई पानी का फ्लो तो गाइस काफ़ी खूबसूरत रहता है। आ जा चेक कराएंगे टिकट, देन सीधा भाई लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते। हिमांशु की सांसें फूल ली यहाँ पे, कैसा लग रहा है? खतरनाक। बाकी यहाँ का ट्रैक तो भाई काफ़ी बढ़िया है, मतलब बढ़िया गया यार, मतलब रास्ता ही नहीं होता तो मुझे बढ़िया ही लगता है। जितना हार्ड हो कुछ भी नहीं है, देखो पूरा ऐसी है। बाकी भाई यहाँ से हर एंगल पे ना अच्छे अच्छे व्यू मिलते हैं, यहाँ से फ्लो कर रहा है, जितना ऊपर जाओगे आपको अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। बाकी ये वाला पेड़ की वाला ये व्यू देखे अभी बढ़िया करते भाई, हम तो छोड़ेंगे भाई और अच्छे अच्छे व्यू कवर करेंगे। हाँ चलो चलो, बहुत ऊपर अभी तो अभी हाइट पे आ गए हम, चलते चलते चलते। हिमांशु भाई का हालत टाइट, हमारा भी हालत टाइट, बट टारगेट है गाइस सबसे पीक वाला भाई, जो वाटरफॉल है ना वो देख के जाएंगे। बाकी देखो कैसे बह रहा वाटरफॉल, और हर जगह मैगी पॉइंट है, मैगी भी खाऊंगा ऊपर आने ही वाला, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और कर देगा, 10 मिनट चढ़ रहा हूँ। फोटो भाई पहुँच गया नील वाटरफॉल का भाई पीक पॉइंट है टॉप वाला, और यहाँ पे आने का भाई एक और एम था अपना, इस बार नहाने का सीन नहीं है क्योंकि भाई कपड़े को नीचे भूल गया है, हिमांशु बोला नहाने के लिए, मैं भी हाँ बोल दूँगा बट कपड़े नहीं है, मुझे कहाँ से बह रहा है वहाँ से, बट दूसरा ऑप्शन है भाई यहाँ पे खाएंगे आराम से बैठ के मैगी। तो भैया के यहाँ पे रेडी करवा रहे दो मैगी, फटाफट करवाते हैं, देन नहाए नहीं तो सही, मैगी तो खिलाऊंगा। तू नहा ले भाई, लोग देख रहे कैसे आ रहे हैं, नीचे जाए नीचे का भाई, यहाँ जाना नहाना बस, कपड़े लेना नहीं वापस नहीं आने देगा। नहीं मैगी पहाड़ों वाली मैगी छोड़ो, ये अपनी वाटरफॉल वाली मैगी है, एरी मैगी, और सामने का व्यू देखो गर्म है। सामने का वाटरफॉल तगड़ा भाई, कुछ ज़्यादा ही गर्म है। खाते भाई और टेस्ट उठा दो आपको कैसा, रुको भाई ने बोला भाई बहुत बढ़िया बनाया, देखते हैं कितना बढ़िया बनाया। अरे गिरा गिरा यार, मेरी किस्मत ही खराब है, जूते में घुस गया देखो। अरे तो भाई एक काम मेरा सही नहीं होता, भाई मैगी बनाई है 50 में, ऐसी मैगी बनाई है 100 वाली, कैसा लग रहा है? सही में भाई बहुत ही बढ़िया मैगी है, करते हैं इसको फिनिश करते हैं। देख रहे हो भाई लोटा, अभी मैगी वाले भैया ने भाई यहाँ का लोकल पानी पिलाया, ये वाला नहीं वाटरफॉल वाला नहीं, ऊपर से आता पाइप से, तो भाई हमने पिया काफ़ी ज़्यादा भाई, इतना इतना अच्छा और साफ पानी तो भाई दिल्ली में भी नहीं मिलता। पिया मैंने पिया हिमांशु ने पिया, काफ़ी बढ़िया था, और 3 मैगी खाई हम लोगों ने, बस थोड़ा और रुकेंगे फिर निकलेंगे। बाकी भाई ठीक है, बस वही है नहाने का हिम्मत प्लस कपड़े वपड़े नीला। हाँ से हमने मैगी खाई भैया की दुकान भाई सबसे टॉप पे, जो आपको सबसे ऊपर वाला दिखेगा ना अपना झरना, बिल्कुल एंड तक आना पड़ेगा, देन सामने बिल्कुल दिख जाएगा, बड़ी सारी कुर्सी लगी पड़ी है, एंड भैया दिख जाएंगे। नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह। अच्छा नरेंद्र भैया, और टॉप पे आओगे भाई, टॉप पे आओगे तो भाई टॉप जैसी मैगी मिलेगी 50 रुपये, और टेस्ट गाइज है, और ऐसा पानी मिलेगा तो भाई सब कुछ बेस्ट है। फिर वाटरफॉल घूमने के बाद भाई सीधा आ चुके भाई हम यहाँ पे चांद की झूला पे, और इसको क्रॉस करके भाई हम जाएंगे सीधा नीलकंठ, या फिर आपको बहुत ही जगह घुमाऊँगा जो कि है ऋषिकेश गोवा बीच। बाकी देखो भाई क्या सही है, और अभी कुछ ऐसे ब्लॉगिंग करो, देखो हेलमेट में कौन सा पहन रखा है, देखो कौन सा हेलमेट है। हिमांशु भाई तुमने क्या पहना है? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है ना, एक हाथ से ब्लॉगिंग हो रही है, इसके पीछे बहुत ही दुखद अभी इंफॉर्मेशन है दूंगा आपको, बट उससे पहले भाई व्यू इंजॉय करो, तगड़ा है, मतलब स्कैम हो गया गाइस, अपने साथ स्कैम हो गया, जहाँ जो चीज़ की हमें उम्मीद नहीं थी भाई वो स्कैम अपने साथ हो गया, वो भी उत्तराखंड में, बताऊँगा पहले भाई यहाँ से निकलते हैं।
तो करो, गाड़ी रोक के दिखाओ आप इसे, कोई नहीं ना, चलो देखते हैं, कोई नहीं गाइस, गाड़ी रोकता, जाओ जाओ जाओ। या नाउ दिस इज अ गुड पॉइंट, ये अरे भाई पूरा गाइस पानी फ्लो कर रहा है, भाई जो आंखों से दिख रहा ना भाई उसका जवाब अलग ही है। अब बाइक आ गया, बैठ, बाइक आ गया भाई, पीछे से बाइक आ गया, तो हम निकलते हैं यहाँ से। और गाइस नीलकंठ जाने से पहले, गाइस नीलकंठ जाने से पहले आपको घुमाऊंगा ऋषिकेश गोवा बीच, बहुत बढ़िया है। बाकी देखो ये चीज़ तो गाइस यहाँ का फेमस है, ये जानकी चूल्हा का। जय श्री राम, जय बजरंग बली भाई, बढ़िया दिख रहा भाई, देखो हर हर महादेव। तो लो भाई लो क्रॉस हो गया अपना जानकी चूल्हा एक हाथ से, भाई सब एक हाथ से जा रहा है। गूगल के हिसाब से भाई जो लोकेशन पे पहुँचे हो इस साइड पहुँचे जस्ट गाइस यही है गोवा बीच करके, बट मेनली वहाँ पे देखो उस साइड वाले, वहाँ पे कुछ लोग ही बैठे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे जाने का एक ही ऑप्शन है कि भाई वहाँ पे आप जाओगे लक्ष्मण झूला होते हुए ना जानकी सेतु से आए हम स्कूटी लेके, और भाई लोकेशन ने हमें यहाँ छोड़ा है, तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट वही है आप नीचे नहीं जा पाओगे क्योंकि इस साइड जाना अलाउड ही नहीं है, वहाँ पर जा रखे बंदे, बट वहाँ पर जाओगे तो पैदल जाना पड़ेगा राम झूला से उस साइड। एक अच्छी बात और है कि अपना यही वाला रास्ता ना जिससे आ रहे थे ये सीधा चले जाएगा नीलकंठ, वैसे भी गाइस हमने नीलकंठ जाना था, तो देखते हैं 18 किलोमीटर के अराउंड होगा। क्या हेलमेट पहने क्यों नहीं आया, और वो वाला हेलमेट पहने क्यों आया, तो अपन गए थे गाइस नीर वाटरफॉल पे, और दोनों हेलमेट मैं देखो कहाँ पर लाया गया था, हुआ क्या है कि भाई एक हेलमेट अपना चोरी हो गया, मेन वाला जिस पे गोप्रो हमने लगा रखा था, गोप्रो चोरी नहीं हुआ, गोप्रो तो ले गया था मैं, एक हेलमेट हमने लगाया था भाई वहाँ पे ऐसे करके, दूसरा हेलमेट लगाया था उस वेगा वाला, और जब हम घूम घाम के भाई वापस आए तो अपना एक हेलमेट था और वेगा वाला दूसरा वाला जो मैं यूज़ करता हूँ वो गायब। वहाँ के बंदों से पूछा तो बंदे बोले भाई यहाँ सामान का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद ही है, बट फिर हम जहाँ से टिकट कटाया उनको बोला बोला कि भाई यहाँ पे ऐसी पहली बार हुआ है, अब पहली बार भी लो हमारे साथ ही हुआ है। बंदे दिल्ली से आए, अब दिल्ली से आए हैं भाई, बिना हेलमेट तो आप जा नहीं सकते, एक और हेलमेट अपने को ऑन द वे परचेस करना पड़ेगा, बट हाँ नुकसान तो होगा, उसके अंदर माइक था अपना, हेलमेट था, मोटो व्लॉगिंग बंद हो जाएगा अभी यहाँ से, और क्या चिन माउंट भी था, वो सारा चीज़ गया, दिल्ली में कभी नहीं हुआ, बट कोई नहीं भाई, एक दो साल तो यूज़ कर ही लिया था उसको, अपना हेलमेट खरीदना था बट इस तरीके से नहीं खरीदना था। चलो छोड़ो, आप लोग व्यू देखो भाई, काफ़ी बढ़िया रिवर राफ्टिंग हो रहा है, अभी तो ऑफ सीजन है, बोल रहे थे भाई हो जाएगा आराम से 500-700-800 में, बट मैं यहाँ पे हिमांशु और सिर्फ हम दोनों, इसलिए हम मना कर रहे हैं, अगर पूरा ग्रुप आता ना अपना 4-5 बंदों का फिर तो हम गाइस पक्का करते रिवर राफ्टिंग, विश लिस्ट में भाई रहेगा रिवर राफ्टिंग, अभी ना कभी तो करेंगे,